नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम प्रश्न अभ्यास करेंगे चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुरुचि हिंदी पाठ माला के पाठ दो का, और पाठ दो का नाम है आलस्य का फल। तो ये है इसका अभ्यास कार्य। जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि आपको आने वाले इस पुस्तक के सभी पाठ जो हैं इसी चैनल पर मिल सकें बहुत ही आसानी से। तो पहला प्रश्न देखिए, ब्राह्मण का स्वभाव कैसा था? तो उत्तर होगा, ब्राह्मण ईमानदार और सज्जन स्वभाव का था। आप ये, मैंने यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने बहुत ही कम शब्दों में लिखा है, इसलिए आप जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा लिखें, उत्तर को पूरा लिखना होता है। तो ब्राह्मण का स्वभाव कैसा था? ब्राह्मण ईमानदार और सज्जन स्वभाव का था। ब्राह्मण किस कारण बैठा रहता था? आलस के कारण। तो यहाँ पर आप पूरा उत्तर लिख सकते हैं, ब्राह्मण आलस के कारण बैठा रहता था। ब्राह्मण के घर कौन आया? ब्राह्मण के घर साधु आया। जादुई पत्थर की क्या विशेषता थी? जादुई पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता था। ब्राह्मण लोहा क्यों नहीं खरीद सका? उत्तर है, ब्राह्मण सोचता रहता था कि आज नहीं तो कल ले लूंगा। इस प्रकार कई दिन निकल गए और वह लोहा नहीं खरीद सका। लिखित भाग देखिए, ब्राह्मण भाग्य के बारे में क्या मानता था? उत्तर, ब्राह्मण का मानना था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से होता है। ख, साधु किस कारण प्रसन्न हुआ? ब्राह्मण और उसकी पत्नी के सत्कार के कारण साधु प्रसन्न हुआ। साधु के पास कौन सा पत्थर था? साधु के पास जादुई पत्थर था। घ प्रश्न है, साधु ने कितने दिनों के लिए ब्राह्मण को पत्थर दिया? तो साधु ने 7 दिनों के लिए ब्राह्मण को पत्थर दिया। ङ, ब्राह्मण पत्थर का उपयोग क्यों नहीं कर पाया? उत्तर है, ब्राह्मण ने सोचा कि अभी तो मेरे पास 7 दिन हैं, मैं कल से यह काम शुरू कर दूंगा, और यही सोचते सोचते समय निकल गया और वह पत्थर का प्रयोग नहीं कर पाया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न दो। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने किसका आदर सत्कार किया? साधु का, सोने का या साध्वी का? तो उत्तर होगा साधु का। साधु ने ब्राह्मण को क्या दिया? साधु ने ब्राह्मण को जादुई पत्थर दिया था। ब्राह्मण ने किसका सदुपयोग नहीं किया? ब्राह्मण ने समय का सदुपयोग नहीं किया। किसने कहा, किससे कहा, मैं तुम लोगों के आतिथ्य सत्कार से बहुत प्रसन्न हूं? तो यहां पर आप उत्तर लिखेंगे, साधु ने कहा। साधु ने कहा, किससे कहा? ब्राह्मण और उसकी पत्नी से। ब्राह्मण, आप खाली ब्राह्मण से भी लिख सकते हो और ब्राह्मण और उसकी पत्नी से भी लिख सकते हो, दोनों उत्तर सही हैं। क्या आप मुझे थोड़े दिन और दे सकते हैं? किसने कहा? यह कहा था ब्राह्मण ने, और ब्राह्मण ने ये बात साधु से कही थी क्योंकि वो पत्थर का उपयोग नहीं कर पाया था। तो यहां पर आप उत्तर लिखेंगे, साधु से कहा। अब आगे यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहा गया है, और सर्वनाम शब्द वो होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके, एक दिन उसके घर एक साधु आया, ये मैंने रेखांकित कर दिए हैं शब्द, इन्हें आप देख सकते हैं। जैसे उसके घर एक साधु आया, ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु का खूब आदर सत्कार किया। यह देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुम लोगों के अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हूं। यहां पर तुम भी जो है सर्वनाम ही है। मेरे पास एक जादुई पत्थर है, यदि इसे तुम लोहे से स्पर्श करोगे तो वह सोना बन जाएगा। ये सभी जो है सर्वनाम शब्द हैं। आगे प्रश्न दो देखिए, लिंग बदल कर लिखिए। तो ब्राह्मण का हो जाएगा ब्राह्मणी। ब्रा, ह को हलंत लगाना है, ह से बिल्कुल इसको स्पर्श नहीं करना, ह से थोड़ा दूर लिखना होता है, इसलिए ब्राह्मण का बन जाएगा ब्राह्मणी। साधु शब्द है, साधु का हो जाएगा साध्वी। आदमी का हो जाता है लिंग बदलने पर औरत। पंडित का हो जाता है पंडिताइन। मैं जल्दी लिख रही हूँ, आशा है आपको समझ आ रहा होगा। पत्नी का हो जाता है पति। विदुषी
विद्वान विदुषी का हो जाता है विद्वान। विद्वान को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, विद्वान, जैसे भी आपको सही लगे आप इस तरह से लिख सकते हो। माता का हो जाएगा पिता, चाची चाचा। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मेरे पास एक जादुई पत्थर, अब एक है इसलिए आप है नहीं लिखोगे, है लिखोगे, क्योंकि है एक वचन का रूप है और है बहुवचन का रूप है, इसलिए जहां भी एक वचन का रूप हो वहां पर है आता है, इसलिए यहां पर जादुई पत्थर है हो जाएगा। मेरे पास 7 दिन हैं, अब 7 बहुवचन का रूप है, एक नहीं है 7 हैं, तो यहां पर है के बजाय हैं हो जाएगा। मैं कल से यह काम शुरू कर दूंगा, तुमने समय का सदुपयोग नहीं किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सिर धुनते रह गए। रेखा खींचकर समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। आदर का समान अर्थ यहाँ पर सम्मान है, घर का समान अर्थ होता है गृह, दिन का हो जाता है दिवस, अवाक का अर्थ होता है हैरान, दरवाजा कहते हैं द्वार को, आतिथ्य कहते हैं मेहमानदारी को, और स्पर्श का अर्थ होता है छूना। उसके बाद विलोम शब्द लिखने हैं आपको। गरीब का अमीर होता है, ईमानदार का बेईमान होता है, सज्जन दुर्जन, आलसी का मेहनती होता है, महंगा का सस्ता, बेचना खरीदना, सदुपयोग दुरुपयोग, प्रसन्न अप्रसन्न। अब कुछ बच्चे यहाँ पर प्रसन्न का दुखी लिख रहे हैं, लेकिन दुखी नहीं होगा यहाँ पर, दुखी का विलोम तो सुखी होता है, प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न। और इसके बाद अंतिम यहाँ पर प्रश्न हमारे पास आता है अपठित गद्यांश का, तो इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो यहाँ पर ये है इसका उत्तर, क, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। कबीर ने क्या कहा है? तो कबीर ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये हो जाएगा ख का उत्तर। मनुष्य क्या सोचता रहता है? तो ये होगा ग का उत्तर। मनुष्य यही सोचता है कि अपना काम वह कभी भी कर सकता है, परंतु ऐसे सोचते हुए समय निकल जाता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। ये तो हो गया इसका तीसरे प्रश्न का उत्तर, और इसके साथ ही ये अभ्यास कार्य इस पाठ का समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल से जुड़े रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।